ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरोलॉजी। दोस्तों आज हम वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं कि वायरोलॉजी क्या है। तो वायरोलॉजी एक बायोसाइंस होती है जिसमें हम वायरस की नेचर और वायरस का होस्ट के साथ इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस से एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है पॉइजनस फ्रूट, और वायरस जो होता है प्रोटीन के जो है पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके अंदर एनक्लोज होता है और इसको हम वायरस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वायरोलॉजी की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, इसको हमने दो तरह से कैटेगराइज किया है, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी क्या है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये जो है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, जो इजिप्ट के बारे में बात करते हैं, इजिप्ट में जो एक जगह है मेम्फीज जो है बिफोर 3700 BC वहाँ पर एक हायरोग्लिफ मिली थी, यानी कि एक चित्रलिपि मिली थी, और ये चित्रलिपि जिसको हम रूमा हायरोग्लिफ के नाम से जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को पोलियोग्रस्त बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है चित्रलिपि हायरोग्लिफ में एक व्यक्ति के पैर में पोलियो हुआ है, और ये जो है शो करता है कि जो एंशियंट इजिप्ट में ये मिली चित्रलिपि से पता चलता है कि ये डिजीज़ के बारे में जो इजिप्ट के लोग थे वो काफ़ी पहले से जानते थे, यानी काफ़ी पहले से ये जानते थे कि ये डिजीज़ वायरस के कारण होती है और इसका जो है आगे ट्रीटमेंट किया जाना ज़रूरी है। तो उसके अलावा इसके और सिम्टम्स मिल रहे हैं कि चाइना के अंदर लगभग 1000 बिफोर क्राइस्ट होता है ये स्मॉल पॉक्स होती है एक डिजीज़ के बारे में। चाइना के लोग भी मानते थे कि वहाँ पर ये एंडेमिक के रूप में थी, और स्मॉल पॉक्स के रेस्पॉन्स में, इस प्रैक्टिस के रेस्पॉन्स में वहाँ पर एक वेरुलेशन प्रैक्टिस होती है वो डेवलप की गई थी। वेरुलेशन प्रैक्टिस में क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ वेरुलेशन? वेरुलेशन प्रैक्टिस में हम जानते हैं कि अगर कुछ लोग, जैसे इनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है जिसको हम सर्वाइवर्स बोलते हैं, इस सर्वाइवर्स के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स डिजीज होने के बाद में वहाँ से कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल या ड्राइड क्रस्ट लिए जाते हैं, और उन ड्राइड क्रस्ट को जो है इनहेल किया जाता है। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन होता है इसके अंदर इन्हेलेशन करवाया जाता है, यानी कि उसके अंदर उसको इंजेक्ट करवाया जाता है, और ये जो है स्मॉल पॉक्स के जो लीशंस होते हैं, जैसे स्नफ हो सकता है, या फिर ये जो दूसरे जो ड्राइड पार्टिकल होते हैं वो इंजेक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो होता है, एक बच्चे को जो है ड्राइड क्रस्ट पार्टिकल जो उसको इनहेल करवा रहा है एक पाइप के थ्रू जो है, इस तरह का इस प्रोसेस को हम वेरुलेशन कहते हैं। वेरुलेशन का फर्दर और मॉडिफिकेशन किया गया, जिसके अंदर जो है जो हेल्दी पर्सन होता है, जैसे एक बच्चे की जो फोर आर्म ऑफ ए चाइल्ड, उसके अंदर उसके इसमें जो स्क्रैच करते हैं उसमें अंदर जो वायरस पार्टिकल होते हैं जो माइल्ड समझे जाते हैं, यानी कि कमज़ोर समझे जाते हैं, क्योंकि हेल्दी पर्सन से जो वायरस के पार्टिकल जो होते हैं लिए गए हैं वो माइल्ड जो है माने जाते हैं, और ये दूसरे हेल्दी चाइल्ड के फोर आर्म के अंदर स्क्रैच के अंदर इंजेक्ट करवाए जाते हैं। तो इस तरह से वेरुलेशन की प्रैक्टिस ये डेवलप हुई थी, जो कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि क्या एंशियंट हिस्ट्री इंडिया से रिलेटेड भी है। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर ये एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी जानी जाती है। वायरस के बारे में यहाँ के लोग जो है काफ़ी कुछ जानते थे। हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि माता शीतला, जो कि जो गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जो होती है उसकी जो रक्षा करने वाली माता के नाम से पूजी जाती है, और ये हमारे फोल्कलोरे, जो हमारे इंडिया के फोल्कलोरे जो लोक साहित्य में भी पढ़ा और लिखा जाता है कि माता शीतला के प्रकोप से इस तरह की जो है ये बीमारी होती है, और इस तरह की मान्यताएं हैं। तो ये मान्यताएं हैं उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये माता शीतला की एक पेंटिंग से हम बता सकते हैं कि ये इसमें एक गधे पर सवार माता को बताया गया है, जिसके हाथ में एक झाड़ू है। ठीक है, और यहाँ पर ये माता शीतला जो होती है इस तरह के बारे में जानती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ राजस्थान के लोग और इंडिया के लोग भी इसमें कई की स्टेट में इस माता शीतला को पूजा जाता है, और उसके बारे में लोग बाहर काफ़ी पहले से, प्राचीन काल से ही इसके बारे में जानते थे कि स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो होती एक वायरस के कारण होती है, और इस डिजीज़ का काफ़ी पहले से ये प्रसार किया जा हो रहा है, और तो इस तरह की इसके लिए
प्रैक्टिस की जाती थी और इसको ठीक करने के लिए जो है लोग कोशिश करते थे, उन्होंने भी अपनी मेथडोलॉजी डेवलप की थी। अब हम आगे बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी की और बात करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी की मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं बेंजामिन जेस्टी का। बेंजामिन जेस्टी इन 1774, ही वॉज ए फार्मर इन येट मिस्टर डॉर्सेट इंग्लैंड, और उन्होंने जो है काउ पॉक्स का यूज़ करते हुए स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने काउ पॉक्स, जो इन्फेक्टेड काउ थी, उसके अडर से कुछ इन्फेक्टेड पार्टिकल्स लिए और उन्होंने अपनी वाइफ और दो बेटों के अंदर जो है काउ पॉक्स के इस तरह के इन्फेक्शन इनोकुलेट किए थे और इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद में बात करते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज। अब आते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इन 1796, इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स जो है के बारे में काफ़ी काम किया और स्मॉल पॉक्स में एडवर्ड जेनर ही यूज़ द काउ पॉक्स, उन्होंने भी काउ पॉक्स का यूज़ किया, ठीक है, टू वैक्सीनेट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वैक्सीनेट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, ये जो है सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने जो है इन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट वो वैक्सीन जो होती है वो डेवलप की थी। और यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये काउ पॉक्स है, इस केटल है, काउ पॉक्स के जो अडर है इसके अंदर इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन या डिजीज़ हो रही है, जो काउ पॉक्स डिजीज़ है, और ये इसी तरह की डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये ह्यूमंस के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि जो इनके लीशंस है उनकी काउ पॉक्स के अंदर लीशंस की शेप जो होती है इसकी प्लेन मार्जिन्स हैं, जबकि इनके अंदर जो मार्जिन, जो स्मॉल पॉक्स है इसके अंदर मार्जिन्स होते हैं इररेगुलर होते हैं, और ये जो इसके अंदर इनकी शेप जो होती है इररेगुलर होती है। तो ये इनका एक शेप, इसके कैरेक्टर्स होते हैं कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के कंपेरिजन में हम देखते हैं। तो एडवर्ड जेनर जो होते हैं सबसे पहले वैक्सीन डेवलप करने का क्रेडिट इनके पास जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है लगभग जो है एटलीस्ट इन चाइना, उन्होंने 2200 साल पहले जो है इन्होंने इसमें प्रैक्टिस की थी चाइना में, और काफ़ी समय तक ये इस फील्ड में काम करते रहे। तो उन्हें बहुत अच्छा इन्हें क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी। अब हम बात करते हैं लुईस पाश्चर की, जो इन 1885 लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट विद रेबीज वैक्सीनेशन, ये इन्होंने रेबीज का वैक्सीनेशन डेवलप किया था एंड यूजिंग द टर्म वायरस, और इन्होंने वायरस टर्म डेवलप की थी, उन्होंने इसका क्रेडिट इनको जाता है, और इन्हें एजेंट के रूप में डिस्क्राइब किया और उन्होंने ही वैक्सीनेशन टर्म भी दी थी। जो रेबीज वैक्सीन होती है ये डॉग्स के बाइट करने के, जो ह्यूमन के अंदर डॉग्स अगर कुत्ता काट लेता है तो उसकी वजह से ये वैक्सीन, सॉरी ये जो है डिजीज़ होती है, और इस डिजीज़ का रिलेशन जो होता है ये ब्रेन से होता है या नर्वस सिस्टम से होता है, जिसकी वजह से कई तरह की सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो होती है ये होती है, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये जो है इसके लिए डॉग्स को एक वैक्सीन दी जाती है और इससे वो बचे रहते हैं और दूसरे जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर ये डिजीज़ ना फैले, इस तरह के इंजेक्शन जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर भी दिए जाते हैं। आगे हम बात करें इस वैक्सीन के अलावा, ये जो है रेबीज़ के बारे में काफ़ी पहले से लोग जानते थे, और ये जो है इसको हम प्रूफ के रूप में बता सकते हैं कि एक जो है पेंटिंग मिली है जो कि अरेबिक पेंटिंग के रूप में जानी जाती है, जो कि बिफोर एनोडोमिना 1224 जो है बगदाद के स्कूल से मिली है, जिसमें एक डॉग है एक व्यक्ति को काटता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में, रेबीज के बारे में काफ़ी पहले से लोग जानते थे, तो ये एक हिस्टोरिकल एक जो है इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन लोग काफ़ी इसके बारे में जानते थे। तो इस एंटी रेबीज़ के, इसके लिए एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन जो होते हैं डॉग्स को दिए जाते हैं और उससे रेबीज से बचाव किया जाता है। अब हम आगे बात करें नेक्स्ट हिस्ट्री की, उसमें नाम आता है चार्ल्स चैम्बरलेन इन 1884। चार्ल्स चैम्बरलेन ने
अपना खुद का एक पोर्सिलेन फिल्टर बनाया था, और ये पोर्सिलेन फिल्टर इसका इमेज यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो ही डेवलप्ड इज आउन पोर्सिलेन फिल्टर दैट अलाउड टू पासिंग ए फ्लूड बट नॉट बैक्टीरिया। ये इसमें एक बैक्टीरिया को आने से रोकता है। द फिल्टर वाज यूजफुल इन स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड। इस फिल्टर का यूज होता है कि किसी भी तरह के लिक्विड के स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो चार्ल्स चैम्बर ने इस तरह का पोर्सिलेन फिल्टर जो है इन्होंने डेवलप किया था, ये क्रेडिट इनको जाता है। आगे हम बात करें एडोल्फ मेयर इन 1886। एडोल्फ मेयर जो होते हैं ये हॉलैंड के थे, और ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द शेप ऑफ मोजेक लीव्स ऑफ टोबेको प्लांट डेवलप्ड द मोजेक सिम्टम्स। उन्होंने टोबेको मोजेक वायरस पे ये इन्होंने स्टडी की थी व्हेन इंजेक्टेड इनटू हेल्दी प्लांट, और इन्होंने हेल्दी प्लांट के ने टीएमई टोबेको मोजेक वायरस जो होता है इन्होंने इंजेक्ट करवाया था, और इंजेक्ट करवाने के बाद उन्होंने देखे कि प्लांट की लीफ पर जो मोजेक जैसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी जो इरेगुलर शेप होती है, अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, वो इन्होंने देखे, इस तरह लक्षण उनको मिले। अब टोबेको मोजेक वायरस के अंदर जो है एक तो होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑफ डिकोटियाना टोबेकम, ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो है फिगर बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें नेक्रोटिक लेशंस होते हैं। कई बार जो होती है सेल्स डेड हो जाती है, टिश्यूज़ डेड होने लगते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस होने लगती है, ठीक है, तो ये जो है नेक्रोटिक लेशंस होते हैं। तो इस तरह के जो है ये सिस्टमिक, फिगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टमिक इन्फेक्शन को, फिगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्रोटिक लोकल लेशंस को। तो इसके बारे में एडोल्फ मेयर ने बताया था। आगे हम बात करते हैं डेमेट्री इवानोवस्की इन 1892। ये एक रशियन बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने एनकार द टोबेको मोजेक इन्फेक्शस एजेंट एज ए फिल्टरेबल वायरस, या फिर इनको पॉइजनस फ्लूड कहा था, ठीक है, और इन्होंने टोबेको मोजेक वायरस के बारे में बताया था। टीएमवी जो होता है ये एक इस तरह का रोड शेप वायरस होता है, और इन्होंने जो है इसके टीएमवी के बारे में जो इन्फेक्शन के बारे में थोड़ी डिटेल और स्टडी की थी, और इन्होंने इनको वायरस जो टीएमवी के वायरस के जो एजेंट थे और इस एजेंट को फिल्टरेबल वायरस कहा, और इसको या फिर इसको पॉइजनस फ्लूड भी कहा जाता है। आगे हम बात करें इन मार्टिनस डब्ल्यू वेजरिंग इन 1898। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट रखे थे दैट ये कंसेप्ट क्या थे, वायरस वर स्मॉल एंड इन्फेक्शियस। उन्होंने वायरस को स्मॉल और इन्फेक्शियस पार्टिकल बताया, एंड ही डिफाइंड द इन्फेक्शियस एजेंट एज ए कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, और इन इन्फेक्शियस एजेंट को इन्होंने स्पेशली कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से जो है इसके बारे में कहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये टर्म किसने दी थी। दिस टर्म वॉज गिवन बाय मार्टिनस डब्ल्यू बेजनिंग ने दी थी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं लॉफलर एंड फ्रॉस इन 1898। लॉफलर और फ्रॉस दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में बताया कि कैटल्स में जो है इस तरह का जो आप देखेंगे इस ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें माउथ में जो है इस तरह का डिजीज होती है, और ये फुट में इस तरह का इन्फेक्शन होता है। दोनों ही फुट एंड माउथ डिजीज होती है, इससे ये रिलेटेड है जो वायरस के कारण होती है, और फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि डिजीज़ 1898 में उन्होंने बताया कि ये वायरस के कारण ये बीमारी होती है जो कि कैटल्स में देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं कि वेंडल एम स्टेनले इन 1938। वेंडल एम स्टेनले जो है इन्होंने सबसे पहले टोबेक मोजेक वायरस होता है इसको उन्होंने आइसोलेट किया और उनके क्रिस्टल बनाए, ठीक है। दिस फिगर इज शोइंग द क्रिस्टल फॉर्म इन ए बॉटल, एक क्रिस्टल फॉर्म में जो उन्होंने स्टोर किए थे, और ये जो सेकेंड फिगर जो है ये टोबेको मोजेक वायरस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं एफ सी बॉर्डेन एंड एन डब्ल्यू पेरी, ठीक है। एफ सी बॉर्डेन एंड पेरी, बॉर्डेन एंड पेरी, इन्होंने 1938 में दे एनालाइज द क्रिस्टलाइज पार्टिकल। उन्होंने जो क्रिस्टलाइज पार्टिकल थे स्टेनले द्वारा जो क्रिस्टलाइज पार्टिकल थे उनको एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और साथ में इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी
इसमें प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं फेडरिक टॉट एंड हेलिक्स डी हरेली इन 1916। ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वायरस के बारे में बताया। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम जो है फेडरिक टॉट, और उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियोफाज होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ये वायरस टी इवन सीरीज़ के वायरस होते हैं, जैसे T2, T4, T6 इस तरह के इवन सीरीज़ के वायरस होते हैं। ये वायरस होते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी को जो है इन्फेक्ट करते हैं, उनको लाइसिस करते हैं, और लाइस्टिक इफेक्ट होते हैं, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन जो होता है इस तरह का, ये वायरस के कारण होता है, और ये वायरस होते हैं इनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और डी हेरेले, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने फिनोमेना डिस्कवर किया था कि ये जो उन्होंने बैक्टीरियोफाज के बारे में इन्होंने बताया था। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में जो फिनोमेना डिस्कवर किया था वो डी हेरेले ने किया था, और फेडरिक डी टॉट ने बताया कि जो वायरस होते हैं बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उनका लाइसिस करते हैं। तो ये थी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी की हिस्ट्री।